हाय फ्रेंड्स, मैं परविंदर खारी। फ्रेंड्स, आज की है हमारी की मंशुल वर्मा जी की एक वीडियो रिक्वेस्ट की है। उन्होंने मुझसे कुछ अजीब ही गेम के ऊपर वीडियो बनाने के लिए कहा था। ये गेम खेली गई थी रशियन चैंपियनशिप, जो सन 2002 में हुई थी, उसके 6th राउंड में। खेलने वाले खिलाड़ी दो रशियन खिलाड़ी थे, अलेक्जेंडर रियाजान तसेव जिनकी रेटिंग 2537 थी, वहीं व्लादिमिर वल रियानोविच इनकी रेटिंग 2503 थी। तो काफ़ी स्ट्रांग प्लेयर थे दोनों यहाँ पर। तो फ्रेंड्स, इस गेम को शुरू करने से पहले मैं एक बात कहना चाहूंगा, क्या आपको कभी ऐसा लगा है कि आपका ओपोनेंट ने कोई ब्लंडर किया है और ऑल ऑफ अ सडन को पता लगता है ब्लंडर नहीं है, ये तो बहुत सोची समझी स्ट्रेटेजी है। तो मैं काफी देर तक ये डिसाइड करता रहा कि यहाँ एक खिलाड़ी ने अपनी क्वीन सेक्रीफाइस की है या वो गेम में ब्लंडर किया है। अगर आपको समझ में आए तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। यहाँ गेम की शुरुआत अलेक्जेंडर ने की थी d4 के साथ, नाइट f6 यहाँ व्लादिमीर ने किया, c4 देन g6, किंग्स इंडियन डिफेंस की तरफ ये गेम जाने वाली है, देन नाइट या c3 स्क्वायर पर, बिशप g7 यहाँ ब्लैक ने किया, देन बिशप g5 यहाँ व्हाइट ने किया, c5 आस्किंग नॉट एग्जैक्टली सेंटर से पॉन एक्शन पॉन को डिफ्लेक्ट करवाने की कोशिश है। d5 कोई जरूरत नहीं है पॉन को डिफ्लेक्ट करवाने की फिलहाल, देन b5 दैट्स ओके, देन सी टेक्स b5 और इसके बाद a6। और फ्रेंड्स, जो न्यू कमर्स है उनके लिए मैं बता देता हूँ कि ये नॉट एग्जैक्टली कोई ब्लंडर नहीं है, यहाँ ये पोजिशनल मैं इसे एडवांटेज बोलता हूँ। ब्लैक का इरादा यहाँ कुछ पोजिशनल एडवांटेज को लेने का है। अगर व्हाइट यहाँ बी टेक्स a6 करेगा तो उसके बाद बिशप टेक्स a6 और यहाँ व्हाइट की पोजिशन को देखिए, वो आराम से कैसल नहीं कर पाएगा। एटलीस्ट ये ई पॉन तो आराम से पुश होने वाला है नहीं, तो कैसल छोड़ना पड़ेगा अगर उसे यहाँ ई पॉन आगे पुश करना है। बट e3 यहाँ पहले व्हाइट ने किया, क्वीन गई a5 स्क्वायर पर, नाइट को थोड़ा बहुत पिन किया, कोई ज्यादा खास फर्क पड़ता नहीं, तो क्वीन d2 यहाँ पहले व्हाइट ने किया, कैसल अब यहाँ ब्लैक ने किया, देन b takes a6 दैट्स ओके। यहाँ आई थिंक नाइट टेक्स a6 हो सकता था, बिशप टेक्स a6 भी होता, लेकिन यहाँ व्हाइट को एडवांटेज होता बिशप एक्सचेंज करने के बाद, उसका कैसल काफ़ी जल्दी हो सकता था। वेल, जो भी है यहाँ e6 उससे पहले ब्लैक ने किया, यहाँ जो डी फाइल में एक पॉन काफ़ी आगे आ चुका है उसको कम से कम एलिमिनेट जरूर करना चाहिए। d takes e6 then knight e4 square पर asking for queen exchange। फ्रेंड्स, अगर यहाँ कोई भी खिलाड़ी होगा तो उसे क्वीन एक्सचेंज करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, या क्वीन को हटा लेगा कहीं, क्वीन टेक्स d2 बेस्ट ऑप्शन मुझे नजर आती है, नाइट टेक्स d2 होगा, देन h6 और उसके फिर उसके बाद यहाँ व्हाइट अपनी व्हाइट और ब्लैक अपने अपने गेम को आगे बढ़ा सकते हैं। लेकिन पता नहीं है अब क्या होगा, यहाँ नाइट टेक्स e4 पहले व्लादिमीर ने किया, क्या ये ब्लंडर है? ये क्विन किस लिए छोड़ी गई है? मूव नंबर 11। यहाँ अगर हम डेवलपमेंट की बात करें, जस्ट एग्जैक्टली इसी पॉइंट की अगर मैं बात करूँ, तो ब्लैक का एस सच कोई अटैक भी नहीं आने वाला है, सिर्फ नाइट है बोर्ड के सेंटर में, ठीक है, व्हाइट के पॉन व्हाइट के माइनर पीसेज एंड रूक भी अभी ओरिजिनल स्क्वायर्स पर है, लेकिन ब्लैक को कोई बहुत बड़ा एडवांटेज नहीं है। हाँ, एक नाइट मिला है, उसके बदले में ज्यादा एक बिशप मिल जाएगा, दिखने में तो यही लगता है। क्वीन टेक्स a5 व्हाइट इस अपॉर्चुनिटी को क्यों छोड़ने वाला है? लेकिन अब यहाँ ब्लैक ने किया बिशप टेक्स b2, उन्होंने यहाँ रुक पर अटैक बनाया, मुझे लगा कि शायद ये नाइट एलिमिनेट होगा। वेल, ये मूव काफी इंटरेस्टिंग है। अगर मान लेते हैं कि व्हाइट यहाँ अपने रुक को b1 स्क्वायर पर लेकर जाए, तो ब्लैक यहाँ क्या करेगा? ब्लैक यहाँ पहले करेगा बिशप c3 चेक, और फ्रेंड्स ये इन डेप्थ कैलकुलेशन काफी अच्छी लगी। फॉक है, काफी स्ट्रॉन्ग फॉक है यहाँ पर इस पॉइंट पर, क्वीन टेक्स c3 होगा, देन नाइट टेक्स c3 हो जाएगा। आई थिंक ब्लैक यहाँ काफी अच्छा कर रहा होगा, कुछ प्रॉब्लम्स होंगी ब्लैक की गेम के साथ, ये बिशप भी अभी एलिमिनेट करना है। वेल, पर यहाँ एग्जैक्टली इस पॉइंट से आई थिंक अलेक्जेंडर इस मूव को समझ चुके थे, उन्होंने यहाँ नाइट को e2 स्क्वायर पर निकाला ताकि इस c3 स्क्वायर पर कभी ये बिशप आ ही ना पाए और अपने पीस को बाहर निकालने की कोशिश की, और मुझे लगा कि शायद अब ब्लैक माइट बी इस बिशप को लेगा, माइट बी इस रुक को लेगा, लेकिन पता नहीं। वेल, बिशप टेक्स a1, बिशप h6 रुक पर अटैक बना है, और ये बहुत ही अच्छा मैं अटैक इसलिए कहूँगा, यहाँ पर फिलहाल वाइट का लग चुका है बिशप टेक्स a6। ये क्या हुआ, रुक को क्यों नहीं बचाया? कोई एक्सप्लेनेशन है फ्रेंड्स आपके पास? ऑलरेडी क्वीन डाउन है यहाँ पर ब्लैक, बिशप टेक्स f8 होना ही है, देन नाइट c6 स्क्वायर पर, ये वो थोड़ा समझ में आता है क्वीन पर अटैक बनना है। तो अब यहाँ क्वीन बची जाए या बिशप बचा जाए, लेकिन फिर भी अगर मैं कहूँगा कि ये नाइट भी अनडिफेंडेड है, इस बात का खास ध्यान रखना चाहिए था। तो
वैसे तो व्हाइट क्वीन को b6 स्क्वायर पर लेकर जा सकता था, क्वीन पर अटैक बनता था, नाइट के b4 स्क्वायर पर जा सकता था, देन f3 वगैरह वगैरह, ये नाइट डिफ्लेक्ट करवाया जा सकता था। मैं और वो भी बता सकता हूँ फ्रेंड्स, ये नाइट यहाँ से डिफ्लेक्ट करवाया जा सकता था और उसके बाद ये क्वीन वैसे इस c6 पॉन को आराम से ले सकती थी। नाइट c2 चेक होता भी, देन किंग d1 स्क्वायर पर जाता, नाइट टेक c3 चेक होता, देन नाइट किंग c2 बिशप टेक्स e2 बिशप टेक्स e2, कुछ इस तरह के मूव यहाँ इस गेम में खेले जा सकते थे। लेकिन यहाँ व्हाइट ने अपने क्वीन को c7 स्क्वायर पर रखा। ये मूव लगभग अभी भी खेले जा सकते हैं, ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ नाइट b4 पहले ब्लैक ने किया, लगभग वही जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था। नाउ व्हाइट यहाँ क्या करे, अपने बिशप को बचा ले d6 स्क्वायर पर, उसे यहाँ ये पॉन भी लिया जा सकता था, वो भी एक वेरिएशन बनता। लेकिन आखिर ब्लैक यहाँ क्या करेगा, नाइट d3 चेक अगर होगा भी, देन किंग के लिए d1 स्क्वायर ही बचेगा, नाइट बिल्कुल सही स्क्वायर पर बैठा हुआ है, बिशप डेवलप हो नहीं पा रहा है व्हाइट का, तो प्रॉब्लम्स तो है थोड़ी बहुत व्हाइट की गेम में। देन नाइट टेक्स f2 चेक होगा, किंग c1 स्क्वायर पर जाएगा, देन नाइट टेक्स d6, बिशप एलिमिनेट हो सकता है, क्वीन टेक्स d6 होने के बाद नाइट टेक्स a1 होगा, देन a4 अगर वगैरह, इस तरह के कुछ मूव्स आ सकते हैं। लेकिन अगर मैं यहाँ भी बात करूँ तो नाइट दो बिशप और रुक के सामने क्वीन, मुझे लगता नहीं कि ब्लैक को कोई बहुत ज़्यादा एडवांटेज यहाँ इस पॉइंट से होने वाला है। समथिंग रॉन्ग। ओके, यहाँ बिशप h6 पहले वाइट ने किया था, बिशप h6 स्क्वायर पर ले जाने का मतलब है कि यहाँ वाइट ने बैक रैंक चेकमेट की थ्रेट दी है, यानी कि ब्लैक का ये रुख 8th रैंक में ऑलमोस्ट फिक्स हो चुका है। वेल, अभी तो वो बहुत दूर की सिचुएशन है। बिशप e5 यहाँ पहले ब्लैक ने किया और उन्होंने यहाँ क्वीन पर अटैक बनाया, और शायद सॉरी, और इसीलिए मैं यहाँ कह रहा था कि ये बिशप, वाइट का बिशप यहाँ d6 स्क्वायर पर आना चाहिए था, शायद ब्लैक इस मूव को देख नहीं पाया, क्योंकि अब कम से कम वाइट यहाँ क्वीन टेक c5 बिल्कुल भी नहीं कर सकता। नाइट टेक d3 चेक हो, नाइट d3 चेक होगा तो किंग d1 स्क्वायर पर जाएगा, नाइट टेक f2 चेक होगा, किंग c2 स्क्वायर पर भेज देते हैं, देन नाइट टेक c5 रुक क्वीन पर फॉक होगा। अब लग रहा है कि हाँ ब्लैक ने कुछ गेम प्लान किया है, लेकिन 7 मूव बाद लगभग 11वें मूव पर वहाँ क्वीन क्वीन सेक्रीफाइस या ब्लंडर जो भी था वो हुआ था। यहाँ क्वीन d7 पहले व्हाइट ने किया, ठीक है, अलेक्जेंडर ने अपनी क्वीन को बचाया, नाइट d3 चेक, दैट्स ओके फ्रेंड्स। क्या चेकमेटिंग अटैक आ सकता है, ठीक है, मैं मानता हूँ कि 3 पीसेस तो डायरेक्टली इस किंग हंट में शामिल है, बिशप को भी हम इंक्लूड कर लेते हैं, हाँ रुक को आने में थोड़ा टाइम लगने वाला है। क्या इन सब पीसेस अगर वहाँ पहुँच जाए अटैक में तो क्या चेकमेट हो पाएगी, ये देखने वाली बात है। वैसे क्वीन टेक्स d3 की ऑप्शन चेस इंजन यहाँ रेकमेंड करता है, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है, बिशप टेक्स d3, और अगर आप चेस इंजन रेकमेंडेड मूव तक पहुँच जाते हैं दैट मीन्स यू आर कैलकुलेटिंग रियली शार्प। तो किंग d1 यहाँ पहले वाइट ने किया था, देन रुक b8, अटैक में एक पीस और शामिल हो चुका है, लेकिन अभी ये अटैक मेरे ख्याल से एस्केपिंग स्क्वायर्स हैं इस किंग के पास, बहुत स्ट्रॉन्ग मैं इस अटैक को अभी नहीं मानता, अभी भी इस पॉइंट पर भी एग्जैक्टली यहाँ क्वीन टेक्स d3 की रिकमेंडेशन है, लेकिन नाइट d4 यहाँ वाइट ने किया, दैट्स ओके। ये मूव काफ़ी इंटरेस्टिंग है, यहाँ नाइट जितना कुछ मटेरियल मिला है थोड़ा बहुत अगर वापस भी दे भी दिया है लीड को बरकरार रखने के लिए तो कोई बुराई नहीं होती है, लेकिन रुक b1 चेक, इस नाइट को ब्लैक को लेने की कोई जरूरत नहीं है, और रुक b1 चेक, वैसे अगर वाइट अगर कुछ भी गलती हुई तो वाइट यहाँ चेकमेट करने वाला है, दैट्स वेरी सिंपल। वेल, किंग गया e2 स्क्वायर पर, वैसे अगर हम फॉर ब्लैक मैं कहूँ कि अगर ये किंग c2 स्क्वायर पर आएगा तो फ्रेंड्स यहाँ क्या होगा, यहाँ होगा दैट इज रुक b2 चेक, और ये किंग कहाँ जाएगा, किंग को वापस d1 स्क्वायर पर ही जाना होगा, देन नाइट टेक्स, और ये फ्रेंड्स चेक मेट हो गया इस पॉइंट से। इस तरह के पैटर्न निकालना काफ़ी आसान नहीं होता है। फिर मैं जरा यहाँ वाइट ने अपने किंग को e2 स्क्वायर पर लिया था, और अगर मैं देखूँ तो यहाँ एक चेक और आती है, लेकिन यहाँ एक एस्केपिंग स्क्वायर है वाइट के किंग के लिए जो आराम से निकल सकता है। नाइट e1 यहाँ पहले एक डिस्कवर्ड चेक दिया है यहाँ पर ब्लैक ने, अब इस किंग के जाने के लिए ये एस्केपिंग स्क्वायर भी बंद कर दिया गया। वैसे अब यहाँ आखिर व्हाइट करे तो करे क्या,
व्हाइट ने यहाँ एक अपना लास्ट अटेम्प्ट किया था फ्रेंड्स, ये पैटर्न मुझे अब तक भी सही बताऊं तो समझ में नहीं आया। व्हाइट ने अपना लास्ट अटेम्प्ट किया था नाइट को B5 स्क्वायर पर लड़ने का। उन्होंने यहाँ देखा जाए तो फायरिंग लाइन को ही क्लोज कर दिया है, लेकिन सोचना ठीक है वैसे कि अगर यहाँ बिशप टेक्स नाइट होगा देन क्वीन टेक्स एंड देन रुक टेक्स, काफी मतलब काफी ज्यादा प्लस में मेरे ख्याल से अगर यहाँ मेटल एक्सचेंज होता है तो इक्वल रहेगा, बहुत ज्यादा प्लस है मुझे नहीं लगता। एक C5 के पासर के रूप में जरूर ब्लैक को मिलने वाला है, लेकिन यहाँ ब्लैक ने अपना फाइनल मूव चला, उन्होंने यहाँ किया नाइट C3 चेक, और यहाँ इस मूव के बाद व्लादिमीर ने रिजाइन कर दिया। क्या फ्रेंड्स आपको रेजिग्नेशन रीजन समझ में आ रहा है? अगर आपको समझ में आ रहा है तो प्लीज मुझे जरा कमेंट्स में लिख के बताइए कि हाँ आई गॉट इट अर्लियर। यहाँ व्हाइट अगर यहाँ से ये गेम आगे बढ़ती है तो व्हाइट को यहाँ करना ही होगा कि देन उसके बाद रुक D1 चेक। और फ्रेंड्स ये क्वीन ट्रैप नहीं है एक्चुअली में, यहाँ आप देखिए कि इस नाइट की वजह से, और ये नाइट यहाँ इसके सॉरी ये तो रुक ही नहीं जाने देगा यार। क्या इस तरह का अटैक भी लगाया जा सकता है? आई कैन नॉट बिलीव इट फ्रेंड्स, काफी कमाल की गेम अंशुल वर्मा जी ने आप सभी लोगों को बताया। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये वीडियो और ये गेम दोनों ही बहुत पसंद आए होंगे। तो आप लोग इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे इस चेसगुरु परिवार को बढ़ाने में हमारी सबकी मदद करें इस चैनल को सब्सक्राइब करके। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय फॉर।